जहां बनते हैं देश के गौरव। इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। नमस्कार एंड जय हिंद। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वेलकम एंड और स्वागत है। आज हम लोग जीके के पॉलिटी सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। पॉलिटी का वैसा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एनडीए एग्जाम में पूछे गए हैं और फ्यूचर में आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और आप इस प्रैक्टिस सेशन में शामिल हों और सेल्फ असेसमेंट करें कि आपका तैयारी का लेवल क्या है और आपको अपने तैयारी का लेवल किस और स्तर पर लेके जाने का ज़रूरत है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में एनडीए के। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कर आया है द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC के बारे में पूछ रहा है। केंद्रीय सतर्कता आयोग या केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के बारे में पूछ रहा है। कमीशन वाज इस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज। ये कह रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन पे, कौन से समिति के अनुशंसा पर, सलाह पर CVC का गठन किया गया। तो पहला ऑप्शन है संथानम कमेटी, बी ऑप्शन है दिनेश गोस्वामी कमेटी, सी ऑप्शन है तारकुंडे कमेटी और डी ऑप्शन है नरसिम्हन कमेटी। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन ए है संथानम कमेटी। तो संथानम कमेटी के रिपोर्टों के आधार पर ही CVC को, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को अपॉइंट किया गया और CVC का काम ये है कि वह जो है भ्रष्टाचार या करप्शन को रोकने का क्या करे, प्रयास करे या करप्शन से संबंधित मुद्दों को इन्वेस्टिगेट करने का अधिकार इसके पास होता है। तो संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पर CVC का गठन किया गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को अपॉइंट किया गया। दिनेश गोस्वामी कमेटी, तो दिनेश गोस्वामी कमेटी ये इलेक्शन से संबंधित था, इलेक्शन रिफॉर्म से संबंधित था। उसके अलावा नरसिम्हन कमेटी, तो नरसिम्हन कमेटी के बारे में अगर आप आएंगे तो इसका संबंध टैक्सेशन से था। तो इस प्रकार कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। संथानम कमेटी के सुझावों पर या सलाह पर CVC का गठन किया गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को अपॉइंट किया गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कर रहा है विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कह रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, मूल अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन ए दिया है राइट टू इक्वलिटी या समानता का अधिकार, ऑप्शन बी दिया है राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी दिया है राइट टू सिटीजनशिप या नागरिकता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अगर आप आएंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये तीनों के तीनों फंडामेंटल राइट हैं, ये भी फंडामेंटल राइट, ये भी फंडामेंटल राइट और ये भी फंडामेंटल राइट, लेकिन राइट बी फंडामेंटल राइट, लेकिन राइट टू सिटीजनशिप नागरिकता का अधिकार ये फंडामेंटल राइट नहीं है। और ये पूछ भी रहा है आपसे कि इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में नहीं आता, तो नागरिकता का अधिकार या राइट टू सिटीजनशिप ये फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया। राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है, राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है
और शोषण के विरुद्ध अधिकार या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से लेके 24 तक। और अगर आप पाएंगे फंडामेंटल राइट के बारे में, तो फंडामेंटल राइट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंतर्गत शामिल किया गया है। उसके लिए आर्टिकल है 12 से लेके 35 तक। फंडामेंटल राइट्स को जो है कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। राइट टू सिटीजनशिप ये फंडामेंटल राइट के कैटेगरी में शामिल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रत्येक न्यायाधीश होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है या किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ऑप्शन ए है द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम, ऑप्शन बी है द कैबिनेट, ऑप्शन सी है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है द लोकसभा। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। लेकिन इन जजों के अपॉइंट के लिए एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, जिसको हम लोग कोलिजियम सिस्टम के नाम से जानते हैं। कोलिजियम सिस्टम का जो हेड होता है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये कोलिजियम व्यवस्था के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों का नाम भेजा जाता है कहाँ पे, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट उसी में से किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करता है। तो इस प्रकार द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी एज इन रीच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा नहीं है। तो ये कह रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा DPSP नहीं है। तो DPSP नहीं, आइए देखते हैं, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एक्ट, यह DPSP है। और ये पूछ रहा है कि DPSP नहीं है, तो ये DPSP है। प्रोटेक्शन ऑफ मेन्यूमेंट्स एंड प्लेसेज एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ये भी DPSP है, ये भी DPSP है। सी ऑप्शन है प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लॉ, ये DPSP नहीं है। और डी ऑप्शन कह रहा है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका का न्यायपालिका से सेपरेशन का बात कर रहा है, पृथक्करण का बात कर रहा है, तो यह भी DPSP है। तो ये कह रहा है कि कौन सा DPSP नहीं है, तो ए बी और डी DPSP है, लेकिन सी DPSP नहीं है। इस प्रकार सी ऑप्शन जो है क्या होगा, सही होगा। सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लॉ या व्यक्तिगत कानून का संरक्षण नॉट अ DPSP। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है द वर्ड सोशलिस्ट या समाजवादी वाज इंसर्टेड इन टू द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट, समाजवादी शब्द को भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन से संशोधन के द्वारा शामिल किया गया, कौन से संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। तो ऑप्शन ए है 41 अमेंडमेंट, ऑप्शन बी है 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी है 43rd अमेंडमेंट, ऑप्शन डी है 44th अमेंडमेंट। तो अगर आप आएंगे तो 41 अमेंडमेंट नहीं होगा, 43 भी नहीं होगा, 44 भी नहीं होगा। 42nd अमेंडमेंट इज ए राइट आंसर, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा प्रीएम्बल में फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। और इस फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट के अंतर्गत
प्रीएम्बल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत थ्री वर्ड ऐड किए गए, तीन शब्दों को जोड़ा गया जिसमें सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट समाजवादी, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और इंटीग्रिटी अखंडता, ये थ्री वर्ड 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए। तो इस प्रकार बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। इसमें एक 44th अमेंडमेंट है, 44th अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी, जो एक फंडामेंटल राइट था, मूल अधिकार था, उसको फंडामेंटल राइट के कैटेगरी से बाहर करके उसे जो है लीगल राइट बना दिया गया, एक कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया। तो इस प्रकार इसका 42nd अमेंडमेंट ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। और 42nd अमेंडमेंट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आपसे कहा जाए कि भारतीय संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, लघु संविधान कौन सा है, तो लघु संविधान को 42nd अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है, हु एमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्वी परिषद का पदेन अध्यक्ष है। ये जो है जोनल काउंसिल के बारे में पूछ रहा है कि ईस्टर्न जोनल काउंसिल का जो है चेयरमैन कौन है। ऑप्शन ए है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये ऑप्शन नहीं होगा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये भी नहीं होगा, द यूनियन होम मिनिस्टर, तो जो केंद्रीय गृह मंत्री होता है वही जो है इसका क्या होता है, चेयरमैन होता है जोनल काउंसिल का। तो इस प्रकार क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन कर रहा है, आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है, 352 का संबंध किससे है, किससे संबंधित है। तो अगर आप आएंगे तो 352 का संबंध ऑप्शन ए दिया है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल के बारे में आर्टिकल 360 में बताया गया है, इसका मतलब ये 352 से संबंधित नहीं है। फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, तो इसका संबंध आर्टिकल 356 से है, तो इसका मतलब इसका 352 से संबंध नहीं है। नेशनल इमरजेंसी, तो नेशनल इमरजेंसी का संबंध, राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध जो है किससे संबंधित है, तो ये 352 से संबंधित है। और 352 में ये बताया गया है कि भारत, पूरे भारत में या भारत के किसी राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंतर्गत डिक्लेयर किया जा सकता है या नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी लगाए जाने के तीन आधार हैं, एक तो वार हो जाए, युद्ध हो जाए, वार या युद्ध के संदर्भ में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है। और भारत में युद्ध के आधार पर 2 बार नेशनल इमरजेंसी लगाया गया, एक बार 1962 में इंडिया चाइना वार और दूसरी बार 1971 में इंडिया पाकिस्तान वार, जिसमें ईस्टर्न पाकिस्तान को आज़ाद कराने के संदर्भ में जो आज का बांग्लादेश है। उसके अलावा अगर आप आएंगे दूसरा पॉइंट, तो दूसरा आधार जो है एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन या बाह्य आक्रमण के आधार पर भी नेशनल इमरजेंसी या आर्टिकल 352 का प्रयोग किया जा सकता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे, एक है आर्म्ड रिबेलियन या सशस्त्र विद्रोह, इस आधार पर भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है। 1978 से पहले आर्म्ड रिबेलियन शब्द नहीं था, बल्कि इसके स्थान पे एक शब्द था, एक
इंटरनल डिस्टर्बेंस या आंतरिक अशांति। तो आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में इमरजेंसी लगाया गया और उस इमरजेंसी में लोगों के फंडामेंटल राइट्स का, लोगों के अधिकारों का व्यापक स्तर पे वायलेशन हुआ, उल्लंघन हुआ। और उसके बाद 44 अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को या आंतरिक अशांति शब्द को जो है हटा दिया गया और उसके स्थान पे सशस्त्र विद्रोह या आर्म्ड रिबेलियन शब्द को जोड़ा गया। तो इन तीन आधारों पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है और 352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी का बात किया गया है। इस प्रकार सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है, हु एमंग द फॉलोइंग आर द टू सिविल सर्वेंट्स हु असिस्टेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन से दो सिविल सेवक हैं जिन्होंने भारत के संविधान को बनाने में संविधान सभा की सहायता की। ये कह रहा है कौन से दो आईएएस अधिकारी या सिविल सर्वेंट रहे हैं जिन्होंने संविधान सभा में भाग लेकर हेल्प किया संविधान को बनाने में। ऑप्शन ए है बी एन राव एंड के एम मुंशी। बी एन राव तो सिविल सर्वेंट थे बट के एम मुंशी सिविल सर्वेंट नहीं थे। तो इस प्रकार ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन एस एन मुखर्जी एंड अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो एस एन मुखर्जी जो है वो सिविल सर्वेंट थे बट अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर सिविल सर्वेंट नहीं थे। तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में अगर आप आएंगे तो बी एन राव भी सिविल सर्वेंट थे और एस एन मुखर्जी भी सिविल सर्वेंट थे। तो इस प्रकार सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। बी एन राव और एस एन मुखर्जी दो सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने संविधान सभा में संविधान को बनाने के लिए हेल्प किया, सहायता किया। तो इस प्रकार सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है, विच मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रपोज द रिजोल्यूशन दैट द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया बी अ हॉरिजॉन्टल ट्राइकलर ऑफ सेफ्रॉन व्हाइट एंड डार्क ग्रीन इन इक्वल प्रपोर्शन विथ अ व्हील इन एनी ब्लू एट द सेंटर। कुल मिला के ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से व्यक्ति के सहयोग से जो नेशनल फ्लैग था उस नेशनल फ्लैग का रंग और उसका जो व्हील था, वो जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, उसमें कौन से व्यक्ति का हेल्प था, किसने सहयोग किया था। ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, सी ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से इसको किया गया। इस प्रकार सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। ये संसद, भारतीय संसद से संबंधित नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, ये जो है गलत स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। आपको चारों ऑप्शन में से पहचान करना है। पहला है, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट द लोकसभा एंड राज्यसभा। तो संसद राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनता है, तो ये गलत स्टेटमेंट नहीं है, ये सही स्टेटमेंट है। तो ये ऑप्शन का सही उत्तर नहीं होगा। बी ऑप्शन पे अगर आप आएंगे, देयर आर नॉमिनेटेड मेंबर इन द लोकसभा, लोकसभा में मनोनीत सदस्य हैं। तो अगर आप आएंगे तो जो नॉमिनेटेड मेंबर एंग्लो इंडियन था उसको प्रेजेंट में समाप्त कर दिया गया है, तो अब नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है। तो इस प्रकार ये जो है स्टेटमेंट क्या है, गलत है, रॉन्ग है। तो इस प्रकार बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है, द राज्यसभा कैन नॉट बी डिजॉल्व, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ये भी स्टेटमेंट सही है
कि राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस, यह एक स्थायी सदन है जिसको भंग नहीं किया जा सकता। उसके अलावा अगर आप आएंगे डी ऑप्शन कह रहा है, सम मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, तो कुछ सदस्यों को राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। वैसे मेंबर कितने हैं, 12 मेंबर। तो इस प्रकार ए सी और डी ये तीनों पार्लियामेंट से संबंधित सही स्टेटमेंट है और ये गलत स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो इस प्रकार बी ऑप्शन गलत है और यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी के बारे में पूछ रहा है ऑफ इंडिया इज ए नॉट करेक्ट। ये कैक के से संबंधित नॉट या गलत स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, कैक से संबंधित गलत स्टेटमेंट दिया गया है। तो आइए गलत स्टेटमेंट का पहचान करते हैं। ऑप्शन ए, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि भारत का राष्ट्रपति जो है कैक को अपॉइंट करता है, तो ये तो उत्तर होगा नहीं, ये सही स्टेटमेंट है और ये गलत स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। बी ऑप्शन कह रहा है ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस इन द सेम वे एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये भी बात सही है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है, सेम तरीके से कैक को भी हटाने का प्रोसीजर है। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ये भी सही उत्तर नहीं होगा। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन पे आते हैं। तो सी ऑप्शन कह रहा है द कैग इज एलिजिबल फॉर द फर्दर ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर ही वाज सीज टू होल्ड हिज ऑफिस। ये कह रहा है कि सीएजी रिटायर होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत और अन्य ऑफिस में कार्य कर सकता है। ये स्टेटमेंट गलत है, चाहे वो सीएजी हो या इलेक्शन कमिश्नर हो, ये सारे पद ऐसे हैं कि जब वहाँ से आप रिटायर होंगे, सेवानिवृत्त होंगे, तो सेवानिवृत्त या रिटायर के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी ऑफिस में आप कार्य करने का अधिकार नहीं होता। और ये कह रहा है कि पात्र है, कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, गलत स्टेटमेंट है। तो इस प्रकार हम लोग का सी ऑप्शन सही होगा और गलत स्टेटमेंट के बारे में पूछ भी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द सुप्रिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया इज वेस्टेड इन। भारत में चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित है। कह रहा है कि इलेक्शन से संबंधित डिसीजन, कंट्रोल और नियंत्रण ये सब किसके अंडर में है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नहीं इनके अंडर नहीं है। लेकिन अगर चुनावों से संबंधित डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है मैटर। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ये भी नहीं होगा, सी ऑप्शन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन को कराने की जिम्मेदारी, उनको कंट्रोल करने का जिम्मेवारी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होता है। इस प्रकार सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 26 नवंबर 1949। ये कह रहा है कि भारत का संविधान जब 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ और उस समय कुछ प्रावधानों को लागू कर दिया गया, तो उस प्रावधानों में कौन से प्रावधान थे जिसको 26 जनवरी 1950 से पहले लागू कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए है इलेक्शन, तो इलेक्शन को लागू कर दिया गया था, सिटीजनशिप से संबंधित बातें लागू कर दी गई थी, इमरजेंसी को नहीं लागू किया गया था, अपॉइंटमेंट ऑफ जज नहीं किया गया था। तो इस प्रकार स्टेटमेंट 1 और 2 सही होगा। तो आइए 1 और 2 के आधार पर सही स्टेटमेंट की पहचान करते हैं। तो सही उत्तर पे अगर आप आएंगे ओनली 1, ये नहीं होगा, 1 और 2 यही स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा,
क्योंकि इलेक्शन से संबंधित प्रावधान और उसके अलावा सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान उसको 26 नवंबर 1949 को ही इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। बाकी का चीजों को जो है 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू किया गया। इस प्रकार ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द क्रिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल वाज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय, कह रहा है कि लोकपाल संस्था का जो गठन किया गया वो कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया गया या कौन से संस्था के रिकमेंडेशन पे किया गया। ऑप्शन ए है लॉ कमीशन विधि आयोग, ऑप्शन बी है संथानम कमेटी, ऑप्शन सी है शाह कमीशन, ऑप्शन डी है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन या प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा भारत में लोकपाल का स्थापना किया गया या लोकपाल का गठन किया गया जिसका संबंध जो है करप्शन को समाप्त करने से है। तो इस प्रकार डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द फोर्थ शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का संबंध किससे है। ये चौथी अनुसूची के बारे में बात कर रहा है जिसमें अगर आप ऑप्शन पे आएंगे या ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन ए कह रहा है प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया, तो आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एडमिनिस्ट्रेशन का जो संबंध है उसके बारे में शेड्यूल कौन से शेड्यूल में बताया गया है, उसको पांचवें शेड्यूल में बताया गया है और ये फोर्थ शेड्यूल का बात कर रहा है। बी ऑप्शन एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स या राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तो ये बात फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है तो ये ऑप्शन हम लोगों का क्या होगा, सही होगा। अनुसूची चार में ये बताया गया है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन या राज्यसभा में कौन कौन से राज्यों से कितने कितने सीट्स होंगे, यह बात भारतीय संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है। इस प्रकार बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट डेट हैज बीन डेवलप्ड टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बाय द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्था को हस्तांतरित नहीं किया गया है। कह रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सब्जेक्ट 11th शेड्यूल के अंतर्गत पंचायती राज्य के अंतर्गत नहीं शामिल है। ए है नॉन कॉन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्सेज, गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, इसको शामिल किया गया है तो ये नहीं होगा। रोड्स, गांव के जो सड़क हैं उसको शामिल किया गया है, ये भी नहीं होगा। हाइयर एजुकेशन, उच्च शिक्षा को पंचायतों के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, 11th शेड्यूल में शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार इसका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आर्टिकल 46 जिसका संबंध डीपीएसपी से है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ, भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किसके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए संदर्भित किया गया है। तो ये पूछ रहा है कि आर्टिकल 46 जो शैक्षणिक एजुकेशनल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट का बात करता है वह किसके इंटरेस्ट से संबंधित है। ऑप्शन ए है रिलीजियस माइनॉरिटीज या धार्मिक अल्पसंख्यक, ऑप्शन बी है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के एजुकेशनल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट से संबंधित बातें आर्टिकल 46 में बताई गई है, इसका संबंध डीपीएसपी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48
48 कह रहा है द प्रोविजंस ऑफ द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल नॉट अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो अनुसूची 5 दिया गया है वह अनुसूची 5 कहाँ कहाँ लागू नहीं होता। तो अगर आप आएंगे तो आइए देखते हैं, ऑप्शन 1 में अगर आप आएंगे तो कह रहा है छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। तो यहाँ के जनजाति क्षेत्रों के ऊपर अगर आप आएंगे तो अनुसूची 5 लागू होता है, तो ये नहीं होगा। 2 नंबर असम त्रिपुरा, तो सॉरी 1 पे लागू होगा और कह रहा है कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा। तो 2 नंबर असम एंड त्रिपुरा, अगर आप आएंगे शेड्यूल 6 में AMTM असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम इनके लिए अलग से व्यवस्था किया गया है ट्राइब्स के लिए, तो ये असम एंड त्रिपुरा ये होगा, मेघालय एंड मिजोरम ये भी होगा। तो 2 और 3 स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। जहाँ पे शेड्यूल 5 लागू नहीं होगा उसके लिए शेड्यूल 6 बनाया गया है। तो इस प्रकार 2 और 3 क्या होगा, सही होगा। इस प्रकार क्वेश्चन का सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, एन इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, एक चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर पद से हटाया जा सकता है। तो ये कह रहा है कि चुनाव आयोग में जो अदर कमिश्नर होते हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है, तो द चीफ इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकता है, उनको हटा सकता है। इस प्रकार बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द राज्यसभा इज नॉट करेक्ट। ये कह रहा है दिए गए ऑप्शन में राज्यसभा से संबंधित कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, मतलब गलत स्टेटमेंट है। तो इस प्रकार गलत स्टेटमेंट का पहचान करने के लिए आएंगे, तो अगर आप आएंगे तो ये कह रहा है इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट। सही कह रहा है कि राज्यसभा के जो मेंबर है उनका, उनको कौन इलेक्ट करता है, तो जो राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। तो ये नहीं होगा क्योंकि गलत स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है, बी ऑप्शन। द इलेक्शन फॉलोज द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि जो राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन होता है वह जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। सी ऑप्शन, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर। ये भी बात सही है कि प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर राज्यसभा के 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं या उनका 6 साल का टर्म समाप्त हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। उसके अलावा डी ऑप्शन पे अगर आप आएंगे कर आए इट इज अ परमानेंट बॉडी बट कैन बी डिजॉल्व अर्लियर बाई द प्रेसिडेंट। ये कह रहा है परमानेंट बॉडी भी बोल रहा है और कह रहा है कि ये डिजॉल्व भी हो सकता है, तो ये डिजॉल्व नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट गलत है। यही डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। राज्यसभा जो है एक परमानेंट हाउस है जो कभी डिजॉल्व नहीं किया जा सकता, और ये कह रहा है कि डिजॉल्व किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है और गलत स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा था। तो इस प्रकार डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मूल अधिकार केवल और केवल सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए है। तो अगर फंडामेंटल राइट में अगर आप आएंगे, फंडामेंटल राइट में, तो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 15, 16, 19, 20, 29 और 30, तो 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट है ओनली सिटीजन के लिए है।
बाकी के जो सभी फंडामेंटल राइट हैं वो सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों के लिए हैं। तो 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल 20 उसमें आ नहीं रहा, ये होगा नहीं, 21 नहीं आ रहा, ये भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 15, 16, 19, 19 आ रहा है। तो आर्टिकल 19 जो है किसके लिए है, केवल और केवल ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कह रहा है कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, आप पहचान करें। तो एक नंबर राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21A, तो ये फंडामेंटल राइट है। और ये कह रहा है कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू वर्क, काम का अधिकार, राइट टू एसोसिएशन, संघ बनाने का अधिकार, ये भी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। और राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये भी जो है फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। तो इस प्रकार एक नंबर एफ आर है फंडामेंटल राइट, तीन नंबर भी एफ आर है और चार नंबर भी एफ आर है। और कह रहा है कौन सा एफ आर नहीं है, तो दो नंबर एफ आर नहीं है। इस प्रकार दो नंबर स्टेटमेंट हम लोग का क्या होगा, सही होगा। आइए दो नंबर के आधार पर सही स्टेटमेंट का पहचान करते हैं। तो एक और दो होगा नहीं, दो और चार होगा नहीं, ओनली टू, केवल दो जो है राइट टू वर्क फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में नहीं आता। तो इस प्रकार सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा फंडामेंटल, कौन सा डीपीएसपी नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है अगर आप आएंगे इसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत अगर आप आएंगे तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एक्ट, ये भी जो है डीपीएसपी है। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये भी डीपीएसपी है, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल रॉ, ये डीपीएसपी नहीं है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। बाकी के सभी जो है ऑप्शन क्या है, डीपीएसपी हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है जिसको अभी हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 कह रहा है हु एमंग द फॉलोइंग कैन अटेंड द मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट वाइल नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस। ये कह रहा है कौन सा ऐसा व्यक्ति है या कौन सा ऐसा पद है जो संसद के दोनों सदनों के बैठकों में भाग ले सकता है बट वह पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए है सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन बी है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और ऑप्शन डी है द अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी, एक ऐसा पद है जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के बैठकों में भाग ले सकता है बट वोट देने का अधिकार इसके पास नहीं होता क्योंकि ये पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता। इस प्रकार डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है द कैबिनेट मिशन प्लान फॉर इंडिया इन्वेस्टिगेटेड, भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना की परिकल्पना की गई है। तो परिकल्पना की गई है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो ऑप्शन में अगर आप आएंगे फेडरेशन, अब चूंकि इंडिया फेडरेशन तो है नहीं, ये नहीं होगा, कन्फेडरेशन ये भी नहीं है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये भी नहीं है क्योंकि भारत का गवर्नमेंट न तो पूरी तरीके से यूनिटरी है और न ही पूरी तरीके से फेडरल है। अगर आप आएंगे यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया का जो सिस्टम है वो यूनियन ऑफ स्टेट या राज्यों का संघ है। इंडिया का निर्माण राज्यों के संघ से हुआ है और यहाँ के राज्यों को इंडियन यूनियन से अलग होने का अधिकार
नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो ये तो हम लोग का पॉलिटी का क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। फ्यूचर में ऐसे और क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप लोग इस सेशन में ज़रूर शामिल हों और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें और अपना असेसमेंट करें कि आखिर आपका तैयारी का लेवल किस स्तर पे है। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस अकेडमी।